examples. Today I am going to tell you about the Google Sheet and which you get in your Google account. For that you have a Google account where you will get the different tab which I have already introduced in later tutorial. So here you will get the sheet, Google Sheet, blank sheet, to-do list sheet, annual budget, monthly budget and calendar. So if you want to see the grid view, then you can use also grid view. I am taking blank sheet. This sheet, if you have not account, then you create it, and this sheet you can get by just writing the Google Sheet. When you write Google Sheet, then you will get a link where you get free online Google Sheet. That sheet can be a personal or can be a business purpose. Use your personal link and use the personal link. So here you also get the blank sheet. Another way you can go to the Google Drive. Here you will get it from the Google Drive. This is a drive. When you make any sheet and you save in your Google Drive, then there you will get a sheet. This is a trial sheet. Click here. I have made it trial sheet. So you will get that sheet, and in that you can do a different type of work. Like you type the whole information which you want, and you already know how to sum it, but I will show you again. When you press this, you will get different formula. There you can press the sum and choose the range, then you will get the sum, and when you drag it, then you will get sum in all these columns. Now there is a facility, all those facility which you are using in general worksheet. So here the file, new, open, import, make a copy, email, download, version history, rename, move, add shortcut to drive. अब shortcut का drive यहाँ से बनाना तो बना लो, move to trash, publish to web. इतनी सारी इसकी स्प्रेडशीट की सेटिंग भी है, यहाँ पे आप अपना सेट कर सकते हो कहाँ का आपने लेना है, किस टाइम का है. देन एडिट मेनू, यू विल गेट द सेम थिंग, अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल. Special have a different option. So here you will get a very advanced Excel, and you can do all those things which you want. Find and replace, delete value, delete row to 6, delete column, delete cell and shift up, delete cell and shift left. अब इस सब में ये सारी चीजें कर सकते हैं आप. फिर आया व्यू मेनू. व्यू मेनू में फ्रीज कर सकते हैं आप. अब फ्रीज मीन हमने बताया था कि अगर फर्स्ट कॉलम आप लेते हो और उसको फ्रीज कर देते हैं. देखिए रो फर्स्ट, अब दो रो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने रो फर्स्ट किया. तो जब आप नीचे कुछ टाइप करते जाइएगा तो कॉलम ऊपर छिपता जाएगा और नीचे आपका, लेकिन आपकी हेडिंग नहीं छिपेगी. हमने फ्रीज बताया था आपको. इसी तरह से अगर यहाँ पे आप कॉलम फ्रीज कर देते हैं, व्यू में फ्रीज क्या कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा और जब आप इधर जाइएगा तो फर्स्ट कॉलम नहीं हटेगा. इसी तरह से यू में और क्या ग्रिड लाइन आए कि नहीं आया, ये हटा दीजिएगा ग्रिड लाइन चली जाएगी, अगर लगा दीजिएगा तो ग्रिड लाइन आ जाएगी। फिर प्रोटेक्टेड रेंज आप बना सकते हैं, फॉर्मूला बार दिखे या ना दिखे, अगर इसको हटाएंगे तो फॉर्मूला बार हट जाएगा, अगर आप लगा दीजिएगा तो फॉर्मूला बार दिखेगा। इसी तरह से व्यू में और क्या है, शो फॉर्मूला बार, हिडन शीट दिख जाए, जूम कर सकते हैं हम। अब ये है जिसको 150% किया तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें 100% लेना है, अगर आपको बड़ा चाहिए तो हम इसको कर देते हैं जूम पे 125 कर देते हैं, बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे ये देखिए डॉलर साइन लगा सकते हैं नंबर के साथ, परसेंट लगा सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल सेटिंग कर सकते हैं, मोर ऑप्शन है इसमें, अकाउंटिंग का है, फाइनेंशियल का है, डेट का सेटिंग है, टाइम सेटिंग है, मोर फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। और डिफ़ॉल्ट आपका कौन सा फॉन्ट सेट है, आप इसको यहाँ से फॉन्ट सेट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं फॉन्ट की, और बोल्ड, इटैलिक, और ये स्ट्राइक थ्रू, और टेक्स्ट कलर यहाँ से ले सकते हैं। फिर आया आपका फिल कलर कर सकते हैं। अब इसमें फिल कलर में क्या है, आप यहाँ मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं, फिल कलर करते हैं, इसको ब्लू कर दें या लाइट कोई कलर ले लेते हैं तो ये कलरफुल हो जाएगा। ग्रिड आपको कैसी दिखनी है, चारों तरफ दिखनी है, कैसी दिखनी है, ये कर सकते हैं। फिर आया आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसा हो, अलाइनमेंट 3 तरह का होता है, हमने मान लीजिए सेंटर कर दिया तो ये सेंटर में आ जाएगा। जिस रेंज को आप सेलेक्ट करके करिएगा उस रेंज का अलाइनमेंट आ जाएगा, मान लो इसको सेंटर किया तो ये बीच में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आया वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होगा, फिर हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, रैपिंग करनी है तो रैपिंग मीन्स बड़ा है तो वो दूसरे लाइन में आ जाए, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का। अब मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका डायरेक्शन ये कर दिया तो ये सारा टेढ़ा हो जाएगा, और इधर से किया तो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेटिंग इसमें बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि इंटरनेट का खर्चा आएगा और ऑनलाइन सब आपको करना पड़ेगा। और यहाँ से लिंक बना सकते हैं। अब हम लिंक कैसे बनाएंगे ये बना के दिखा देते हैं। इसमें बनाने के लिए आपको फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू में फ्रीज, जूम हो गया, फुल स्क्रीन आप ले सकते हैं, तो पता ही आप लोगों को। लिंक बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में गए, यहाँ पर इंसर्ट लिंक करेंगे। अब इंसर्ट लिंक के पहले क्या लिखना है, मान लो हमें गूगल पे जाना है तो गूगल लिखेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट रेंज ऑफ सेल, सेलेक्ट स्प्रेडशीट, देखो वो सेलेक्टेड था इसलिए नहीं ले रहा था, यहाँ पर हमने लिखा गूगल और इंसर्ट किया लिंक, इंसर्ट किया, इंसर्ट लिंक किया, सेलेक्ट रेंज ऑफ सेल तो हमें चाहिए नहीं, ये क्यों सेलेक्ट हो रहा है, दो दो तो बन रहा है, एस्केप कर दो। ये आया इंसर्ट लिंक, प्लीज लिंक, और अब यहाँ देखो गूगल आ गया अपने से, इसको सेलेक्ट कर लोगे, अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर गूगल की लिंक बन जाएगी। और सेल नाउ सपोर्ट मल्टीपल लिंक, यू कैन लिंक अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट और ऐड अ मल्टीपल लिंक इन अ सेल बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड क्लिकिंग द इंसर्ट लिंक आइकॉन, गॉट इट। अब यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे चला जाएगा। सो फॉर द टाइम बीइंग इफ यू वांट समथिंग टू टेक फ्रॉम गूगल, सो यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड गेट द इंफॉर्मेशन। come on the sheet. I think I have closed that sheet, trial sheet. ठीक है, तो यहाँ से लिंक बन गया। अब मान लो किसी रेंज का लिंक बनाना, तो यहाँ क्लिक करेंगे, लिखेंगे और इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके लिंक बनाएंगे। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट इन दिस स्प्रेडशीट, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल टू लिंक। हाँ भैया, आप ही का काम कर रहे हैं। हाँ, Apply. अब ये रेंज हमने सेलेक्ट की A1 से G6 तक, तो इस रेंज की लिंक बन जाएगी। तो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो इसको हाईलाइट कर देगा। यहीं तक सेलेक्ट थी इसलिए यहीं तक बनी, तो इसको फिर से बना लेते हैं। शीट रेंज को एडिट कर देते हैं, यहाँ से ये देखो एडिट है, तो यहाँ पर G6 की जगह क्या हो जाएगा G7, तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। G7 अप्लाई कर दो। तो इस तरह से डिफरेंट रेंज को हम बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमें रेंज बनानी है सिटी की, तो इंसर्ट किया और इंसर्ट लिंक किया, रेंज सेलेक्ट किया, रेंज में हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया, देन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस रेंज को वो दिखाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट रेंज बना सकते हैं। अब इंसर्ट में इमेज को हम डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, ड्राइंग्स डाल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन डाल सकते हैं। ये देखो ऑल एरे डेटाबेस डेट, तो ये फंक्शन तो हम कर लेंगे। आज हम आप लोग को इमेज बता देते हैं, इमेज कैसे डालते हैं। इंसर्ट किया, इमेज किया, इमेज इन सेल और इमेज ओवर सेल। अब इमेज इन सेल करेंगे तो अगर कोई इमेज हमने ली, फोटो गूगल ड्राइव से मान लो लेते हैं, माई ड्राइव, इसमें कोई फोटो है, मान लो ये गैलरी ले ली, इंसर्ट किया, ठीक है, तो ये देखिए आ गई इन सेल। अब इस सेल को हम जब बढ़ाएंगे तो कॉपी हो गई है, तो इस सेल की साइज हम बढ़ा देते हैं, तो ये गैलरी देखिए दिखने लगी, लेकिन ये सेल ही में आएगी, कहीं बाहर नहीं आएगी, है ना। अब इन सेल ओवर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इमेज करते हैं, इमेज ओवर सेल करते हैं, है ना। अब फिर यहाँ से गूगल ड्राइव में जाएंगे क्योंकि वहीं पे मेरे पास फोटो है, और मान लिया ये ले लिया, ठीक है, इंसर्ट। तो ये आया। अब ये फोटो सेल के अंदर नहीं आई है, बाहर आई है। बाहर आई है तो हम इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक किया और इसको रिसाइज किया, अब रिसाइज करने पे आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन ये कॉलम के साथ बड़ी छोटी नहीं होगी, है ना। इस वाले पे जब आप करिएगा तो ये कॉलम के साथ आपका यहाँ पे ये सेल के अंदर आएगा और ये सेल के कहीं भी बाहर आएगा। अब इसको अभी और बताएंगे हम एक दिन। और ये आया ड्राइंग, इमेज के बाद आया ड्राइंग। अब ड्राइंग में आप यहाँ पे इंसर्ट करिए शेप। शेप में हमने लिया, मान लीजिए ये ले लिया, तो ये शेप आ जाएगा। सेव एंड क्लोज, तो ये शेप आपका आ गया। अब इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सी वही फैसिलिटी है जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एडवांस फैसिलिटी। अब देखिए चेक्स बॉक्स है, ये भी हम बताएंगे आपको। फॉर्म है, चार्ट है, चार्ट भी आप कर सकते हैं। चार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने सिटी लिया और टोटल ले लें, या सर सिटी लिया और बच्चों का नाम चला गया इसमें से, इधर होगा, ये आया। अब मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इंसर्ट किया, चार्ट किया, इंसर्ट, तो ये चार्ट बन के आ गया। तो इस तरह से हम इसमें चार्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इधर कर दो, तो ठीक है। तो इस तरह से चार्ट भी हमने डाल दिया। अब आया इंसर्ट में और क्या बचा, रो अबब कर सकते हैं। अब अबब क्यों करेंगे, यहाँ सेलेक्ट किया और इंसर्ट रो अबब किया, क्योंकि हमको वहाँ पे हेडिंग डालनी है। अब हेडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम राइट क्लिक करें और इंसर्ट, डिलीट, डिफाइन, कमेंट। अब क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर मेरे लिए नया है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो इसमें काफ़ी इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी और मर्ज इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है। तो इसको पूरा सेलेक्ट करा, ये वाला, इस रो को सेलेक्ट किया यहाँ तक और राइट क्लिक किया। अब इसमें मर्ज सेल आना चाहिए, डिफाइन, कमेंट, कंडीशन, डेटा वैलिडेशन, ये एडवांस चीज़ें आप लोग के लिए हम देख रहे हैं। और एडिट, चलिए यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक। तो ये देखो दो सेल जो है आपस में जुड़ गई, ठीक। अब ये दो सेल जब आपस में यहाँ पे आए, ये देखो दो सेल आपस में जुड़ गई, मर्ज सेल आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें इंसर्ट में और देखो क्या है, फंक्शन हम कल पढ़ाएंगे, इंसर्ट लिंक बता दिया, चेक बॉक्स कल पढ़ाएंगे। कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। कमेंट में मान लो यहाँ पे ये फिल्टर दब गया, इसको हटा दीजिए। फिल्टर में क्या होगा, सिटी पे फिल्टर कर सकते हैं। अब इसमें फिल्टर जब दबाया, इसमें ये इस लाइन में हो गया ना फिल्टर, ये वाले पे करें फिल्टर। अब इस पे सिटी पे यहाँ पे आकर हमने इलाहाबाद सेलेक्ट किया, तो हमारे पास इलाहाबाद पर डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद किया, नीचे आओ, ओके कर दो, तो डेटा इलाहाबाद पे आ जाएगा जैसे पिछले में होता था। लेकिन इसमें फिल्टर फंक्शन भी है, तो फंक्शन एक दिन पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे फंक्शन हैं और उसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर इसको सेलेक्ट किया और कानपुर भी सेलेक्ट कर लिया, नीचे आए, ओके किया, तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब आया और क्या बच्चा, कमेंट हम बताने जा रहे थे। कमेंट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंसर्ट कमेंट, यहाँ पे लिखा ऐड अदर विथ कमेंट, फिल्टर ऑन कमेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पर रेड एक छोटा सी आ गया, ये इसमें फिल्टर को दिखाने के, कमेंट को दिखाने के लिए आ जाता है, इससे लगता है कि हाँ यहाँ पे एक कमेंट है। ठीक है, अब नोट क्या है, नोट में हम लिखेंगे टाइप हियर, यहाँ पे लिखेंगे यू कैन लिंक ऑन link the Google site। ठीक, तो यहाँ पर वो नोट है, ये देखो ये आ जाएगा, साइट की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। ठीक, तो ये नोट आ जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो नोट। ठीक, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो नोट आ जाएगा। इंसर्ट न्यू शीट अगर करना है, शिफ्ट F1 दबाइए, न्यू शीट आ जाएगा। फॉर्म, और अभी रो, बिलो, रो, कॉलम, लेफ्ट, राइट, ये सब तुम लोग कर चुके हो। सेल्स एंड शिफ्ट डाउन, सेल एंड शिफ्ट डाउन, कोई सेल नीचे करनी है तो उसको कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, फॉर्मेट तुम लोग को आता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, सब बता चुके। टैक्स रैपिंग भी बता चुके। टैक्स रोटेशन, टैक्स रोटेट हो जाएगा जितने एंगल पे कर लोगे। जैसे अभी इसको लिया हमने, किसको लें, इसको लें, इसको बताए दे देते हैं इसको, फॉरवर्ड में टैक्स रोटेशन। अब यहाँ पे आए, मान लो हमने क्या 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, तो सिंपल है। सेव टू ड्राइव, देखो बार बार आ रहा है सेव टू ड्राइव। अगर यहाँ पे सेव करना है, सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, और मूव, मूव कहाँ करना है, मूव टू गूगल रतन ड्राइव में कर दिया मूव, तो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक, ट्रायल शीट हैज बीन मूव फ्रॉम माई ड्राइव टू रतन, नहीं करना, डिसमिस कर दो, है ना। और ये क्या है, सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव, तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव करता रहता है। अगर किसी तरह से आपका बंद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट रोटेशन, ऑल्टरनेटिंग कलर, ऑल्टरनेटिंग कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे ये जो तुमने यूज किया है, इसमें फॉर्मेट में जाके ऑल्टरनेटिंग कलर ले लो, यहाँ पे ऑल्टरनेट कलर मान लो पिंक ले लिया तुमने, तो ये ऑल्टरनेट कलर आ जाएगा, या ब्लू ले लिया तुमने, या ग्रीन ले लिया तुमने, जो ले लोगे वो आ जाएगा। ठीक है, या इस वाले पे करके देख लो, कंट्रोल Z कर दिया क्योंकि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट कलर सेट हो जाएगा। आज यहीं तक करते हैं, फिर आगे कल बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, और आज बंद करते हैं इधर।